क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 9.5 डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी एक्सरसाइज थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे प्रूव करते हैं, क्या उसकी पहचान है। फिर मैंने आपको 10 क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, तो जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम है, अब हम उसे देखते हैं। उसके बाद फिर हम 10th के बाद जो क्वेश्चन है 11, 12 उनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को पहचानिए कि होमोजेनियस है या नहीं है। देखो, जिस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, तो जब हमें प्रूफ करना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो देखिए यहां पर dy by dx है, तो सबसे पहले तो आप जिसमें y upon x होता है उसमें dy by dx निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस dx को यहां इसके नीचे लेके जाएंगे और बाकी सब उठा करके इधर ले आएंगे। कैसे? तो dy by dx equal to, देखिए इसको हम नीचे ले गए और ये सारा इसके नीचे आएगा, तो ये आएगा x cos y upon x plus y sin y upon x y upon y sin y upon x minus x cos y upon x इंटू एक्स, ठीक है। जिस क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई होता है उसमें डीएक्स अपॉन डीवाई निकालना, जिसमें वाई अपॉन एक्स है उसमें डीवाई बाई डीएक्स निकालना। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस कर दीजिए एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से। रिप्लेस करने के बाद अगर सारा लैम्डा कट जाता है हमारा, तो ये डिग्री जीरो की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो हमने कल डिस्कस किया था आपके पास, dy by dx इक्वल टू लैम्डा की पावर n एक्स वाई। अगर dy by dx हमारे पास f x y है, तो रिप्लेस करने के बाद x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y, रिप्लेस करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, मतलब यहां पर लैम्डा की पावर n है, तो ये n डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमारे यहां पर जो है वो डिग्री जीरो की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे यहां पर लैम्डा की पावर जीरो बनेगी हमेशा, ठीक है। वो आगे की क्लासेस में जब जाएंगे तो डिग्री वन डिग्री टू आगे आएंगी, फिलहाल हमारे यहाँ डिग्री जीरो की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट मींस डीवाई बाई डीएक्स जो आएगा हमारे पास वो लैम्डा की पावर जीरो एक्स वाई, मतलब लैम्डा कट जाएगा। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप अपने आप प्रूफ करेंगे, वो अब हो जाएगा। मैं सीधा सोल्व करता हूं। जब क्वेश्चन में y अपॉन x या x अपॉन y होता है, तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, y अपॉन x होता है तो हम y को vx मानते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा गया सही, सेकंड का डिफरेंशिएशन x और फिर v का डिफरेंशिएशन। अब ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट में डालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। बीच में आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करनी है, वो आप करेंगे खुद। तो dy by dx के प्लेस पे हम लिखेंगे v plus x dv upon dx equal to x cos y upon x, y के प्लेस पे हम रखेंगे vx, तो ये बचेगा v, ये हो जाएगा vx, ये हो जाएगा v, और y के प्लेस पर क्या आएगा vx, और यहां पर y के प्लेस पे क्या आएगा vx, यहां पर आएगा vx, तो v x cos vx, तो यहां बचेगा आपका v x, तो x से x कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये v को उधर लेकर के जाते हैं माइनस में। सभी क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, x dv by dx इक्वल टू, अब v को हम उधर लेकर के जाएंगे। अब ये v हम जब उधर लेकर के जाएंगे, देखिए x ऊपर से कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन लीजिए, उसके बाद v के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा v cos v
और x कॉमन आ गया हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास प्लस v स्क्वायर साइन v, और नीचे से भी x कॉमन आ गया तो v साइन v माइनस कोस v, और ये v इधर आ करके माइनस होगा, x से x कैंसिल हो गया। अब x dv by dx इक्वल टू, अब ये इधर एलसीएम लेंगे हम, कैलकुलेशन है सिंपल, v साइन v माइनस कोस v, जब हम एलसीएम लेंगे तो v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कोस v। तो जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो आपके जो वेरिएबल हैं वो अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एक साइड v बचेगा, एक साइड x या फिर y बचेगा। तो ये बचा v कोस v प्लस v कोस v इक्वल टू टू v कोस v। अब हम सिंपल सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, देखिए सारा काम जो हम करते हैं वो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो अभी जब ये सेपरेट होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में v साइन v ऊपर जाएगा अपॉन 2v cos v dv, और ये होगा x dx ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो अभी 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, v साइन v माइनस कोस v अपॉन v कोस v। अब ये dx अपॉन x को हम इधर लेकर के माइनस में आएगा, इक्वल टू बचेगा 0। देखिए कॉन्स्टेंट को ऐड करने की वजह थोड़ा सा आंसर हमारा डिफरेंट हो जाता है, बट वो आंसर सेम होता है। अगर हम थोड़ी सी उसके एक दो स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो जो बुक वाला आंसर है वो आपका मैच कर जाएगा। तो यहां से बुक वाले आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें आंसर्स याद नहीं होते हैं, बस आपको क्या करना है जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है। इस इंटीग्रेट को दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दीजिए उससे भी हो जाएगा, जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो v से v कटेगा tan v, और tan v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस log cos v या फिर log sec v। जब इसके नीचे करेंगे कोस से कोस कटेगा बचेगा 1 अपॉन v, और 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन होता है log v। आप ऐसे भी कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके इसे नोट करते रहे, और या फिर v cos v को v cos v को आप t मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये 2 अगर हम इधर ले जाएं तो ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां रख सकते हो आप dv माइनस 2 dx अपॉन x इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लिखेंगे लेट v cos v को हमने माना t, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv इक्वल टू dt। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि माइनस v साइन v माइनस कोस v dv इक्वल टू dt, तो v साइन v माइनस कोस v dv इक्वल टू माइनस dt, ये ऊपर वाला आपका बन गया। ठीक है, अब सेपरेट अलग अलग करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास आया 1 अपॉन t dt dx अपॉन x इक्वल टू 0, यहां पर 2 है, ये माइनस कॉमन लेकर के उधर प्लस में पहुंचा देते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन इजी हो सके उतनी कैलकुलेशन को सॉल्व करिए। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, इसका हो गया log t, ये हो जाएगा log x, सब log में है तो कॉन्स्टेंट भी मैंने log c जोड़ दिया, वेयर log c इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। अब जो log की प्रॉपर्टी होती है थोड़ी वो अप्लाई होगी,
ये टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बचेगा हमारा लोग एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लोग सी, लोग एम प्लस लोग एन, ये बनेगा लोग एम एन इक्वल टू लोग सी, लोग से लोग कंपेयर हो गया, तो टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अब टी की वैल्यू वापस डालेंगे, तो जो टी आपने माना हुआ है वो डाल दीजिए, जो वी माना हुआ है वो डाल दीजिए, तो टी की वैल्यू है हमारे पास ये है वी कोस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, वी की वैल्यू है हमारे पास वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स से ये एक्स कट सकता है, इस एक्स से एक्स मत काट देना क्योंकि ये एंगल में है, तो आंसर आया हमारा एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है उतना मैंने सिंप्लीफाई किया, मुझे नहीं पता बुक में आंसर क्या हो सकता है, ये भी हो या थोड़ा बहुत चेंज हो, बट यहां हम इसे छोड़ सकते हैं जी। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जहां भी वो पूछेगा, जहां पर भी वो कहेगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वहां पर आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, वहां पर कंडीशन आपको दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए प्रोसेस तो सबका सबका सेम है, आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, तो इस चैप्टर को रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप ये पता कर लीजिए होमोजेनियस क्या होती है, वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है, या अदर्स इक्वेशन जो मैं पढ़ाऊंगा वो कैसे बनती है, बस बाकी कुछ नहीं है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, 1 degree 1 1 1, और वैसे भी आप इसमें x की प्लेस पे लैम्डा x और y की प्लेस पे लैम्डा y रिप्लेस तभी करोगे जब वो क्वेश्चन में कहेगा शो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 11 क्वेश्चन में 11 से नहीं कहा उसने, सिर्फ सोल्व करने के लिए बोला है, तो फिलहाल हम सबसे पहले निकालेंगे dy by dx, अगर x upon y है तो आप निकालिए dx upon dy, अदरवाइज dy by dx ही निकालना है, तो हम यहां से निकालेंगे dy by dx, इसको नीचे लेंगे इसके, इसको इसके नीचे लेंगे हम। अब हम लेट y को मानेंगे vx, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, v प्लस x dvy dx, पुट कर दीजिए v प्लस x dvy dx इक्वल टू माइनस x, यहां पर भी vx आएगा, यहां पर भी vx आएगा, तो x dv by dx इक्वल टू, ये v इधर जाएगा, x कॉमन लेके, x कॉमन लेंगे तो x से x कट जाएगा, अभी एलसीएम लेंगे, तो यहां से हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस v, तो यह आएगा माइनस 1 प्लस v माइनस v माइनस v स्क्वायर, तो x dv by dx इक्वल टू माइनस कॉमन लिया हमने 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, सिंपल हो गए वेरिएबल सेपरेट, नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस dx अपॉन dx, इसको इधर ले लेंगे हम। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया, इस टाइप का इंटीग्रेशन जहां पर भी आएगा वहां पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, देखो ये आएगा इसके नीचे, ये आएगा इसके नीचे, dv प्लस dx अपॉन x इक्वल टू जीरो, अब सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, dv v 1 प्लस v स्क्वायर dv प्लस dx अपॉन x इक्वल टू जीरो। नाउ वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए,
तो अब इसमें तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे, तो ये आएगा 2v dv इक्वल टू dt, तो v dv इक्वल टू हाफ dt। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर आपका बनेगा ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, प्लस हाफ बाहर आ गई हमारे पास 1 अपॉन t dt, प्लस dx अपॉन x इक्वल टू जीरो। इसका आंसर आएगा हमारे पास tan इनवर्स बी वी, और इसका हो जाएगा हमारे पास log t log x इक्वल टू, मैंने कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया c, क्यों लोग c भी ऐड कर सकते हो, जो मन कर वो ऐड कर लो, क्योंकि यहां पर हमें कंडीशन दी हुई है, ये ध्यान रखना, जहां पर हमें कंडीशन दी हुई हो तो हमें वहां पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अब इसे c लो या log c लो, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालनी है तो वो ही निकल करके आएगी जब ये हम पुट करेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन में जहां पर भी कंडीशन दी हुई हो तो आप वहां पर सी भी ऐड कर सकते हो, लोग सी भी ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए यहां पर हम वी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वी की वैल्यू हमारे पास है वाई अपॉन एक्स, टी की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस वी स्क्वायर लोग एक्स इक्वल टू सी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस हाफ लोग, यहां वैल्यू डालेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लोग एक्स इक्वल टू सी। बाद में भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अभी यहां पर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 1 है, इसे 1 नाम दे दिया हमने इक्वेशन, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 हाफ log 1, 1 रखेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1 इक्वल टू 0, log 1 0 होता है हमारे पास। तो c tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 प्लस हाफ log 2। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, अभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम डालेंगे फ्रॉम 1 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस हाफ लोग, यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लोग एक्स इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान से सुनना है जरा, पाई बाई 4 प्लस हाफ लोग 2। आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, अगर करो तो यहां से ये जो लोग है ना, ये दोनों लोग हम एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 tan इनवर्स y अपॉन x log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 log x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2 और ये बनेगा हमारे पास log 2। तो 2 tan इनवर्स y अपॉन x, अगर आप देखोगे log ये 2 सॉरी ये हटेगा, ये 2 इसके ऊपर जाएगा पहले, तो ये बनेगा log x स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस log 2। तो अब log n प्लस log n, log m प्लस log n इक्वल टू log m n, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें
मुझे सोल्व करना है, वन और वन टू, टू टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, शो कर रहा हूं तो शो कर सकते हो आप फिलहाल। इसे हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसको इधर ले लें और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये टू एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स स्क्वायर यहां डिवाइड में आएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे या अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां पर ये नहीं बताना कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, फिलहाल हम इसमें y को vx मान के चलेंगे। कंडीशन है y1 इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना yx होता है सॉल्यूशन, तो जो जो साइड में मान लीजिए yx इक्वल टू समथिंग, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है x की वैल्यू होती है, इसका मीनिंग है जैसे y1 इक्वल टू जीरो का मतलब है y इज जीरो व्हेन x इज वन। तो हमने y को लिया vx, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सारी वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, 2y की वैल्यू vx रखेंगे तो ये बनेगा vx स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो x dv by dx, यहां से x स्क्वायर को बना के कट जाएगा तो यहां बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, ये v जो है इधर आकर के माइनस का हो गया है। अब हम यहां पर एलसीएम लेंगे 2, तो 2v प्लस v स्क्वायर माइनस 2v, 2v से 2v कैंसिल हो गया, 2v से 2v भी कैंसिल हो गया। अब x dv by dx इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, ये v स्क्वायर नीचे आएगा, dx ऊपर जाएगा 2 और x नीचे आएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, पहले इसको इधर ले जाते हैं, ये बनेगा v टू दी पावर माइनस 2 dv माइनस हाफ dx अपॉन x इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये आएगा v टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये आएगा log x इक्वल टू c, तो ये आया माइनस वन अपॉन वी, ये आएगा माइनस वन अपॉन वी माइनस हाफ लोग एक्स इक्वल टू सी। पुट करेंगे इसके अंदर, पहले तो वाई की वो डालेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, बाद में एडजस्ट कर लेंगे आंसर को, फिलहाल यहां पर सी की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू वन और वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जीरो। अच्छा एक मिनट, यहां पर यह आएगा v, यहां x की वैल्यू है हमारे पास 1 और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास है 0। अभी इस क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 14 की ले ली गलती से, यहां पर है हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 होगी तो नोट डिफाइन बन जाएगा, तो ये मैंने यहां पर मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर आप इसे सही कर लीजिए। ये y1 is equal to 2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, log 1 जीरो होता है, c की वैल्यू आगे माइनस हाफ इसमें डाल दीजिए माइनस x अपॉन y माइनस हाफ log x इक्वल टू माइनस हाफ, टू से माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। यहां पर हमारी जो एक्सरसाइज 9.5 है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिर्फ आपको vx मान करके कैलकुलेशन करनी है और इंटीग्रेशन पे पहुंचना है, जैसे इंटीग्रेशन पे पहुंचोगे उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। सो एक्सरसाइज नंबर 9.5 यहां कंप्लीट होती है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, 9.5 के सभी एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही।